सो हेलो गाइज, कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का दिवाली फ़ोटो एडिटिंग कैसे कहते हैं। दोस्तों, कुछ इस टाइप का फुल्ली HD दिवाली फ़ोटो एडिटिंग कैसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का फुल्ली HD फ़ोटो एडिटिंग कैसे कहते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, और स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा कैसे एडिट करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड था सोशल मीडिया पे कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग का, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इस टाइप का एडिटिंग। मैं अपना कॉन्सेप्ट कुछ लगाया और ऐसा एडिटिंग लाया हूँ आप सभी के सामने, तो देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपको लाइटरूम ऐप में आना है और इसे रिटचिंग करते हैं। सबसे पहले इसका फ़ोटो को, ओरिजिनल फ़ोटो को। तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो। और यहाँ से 3 डॉट पे आना है दोस्तों, ऐड फ़ोटो दिख रहा है, ऑल फ़ोटो, इस पर ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइल्स में आना है आपको, और यहाँ से मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ ओरिजिनल, और ये ऐड हो रहा है। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और ये फ़ोटो ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, मैं अपना फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, और अपना मॉडल का फ़ोटो आप ले लेना और उसे एडिट करना। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना। बस यहाँ से देखो, इस पर क्लिक करना ऑटो वाले टूल पर, और यहाँ से एक्सपोजर है ना, इसको एडजस्ट कर लेना ऐसा, और शैडो को कुछ इंक्रीज कर देना। और उसके बाद टेम्परेचर वाले टूल पर आना और मिक्स वाले पर आना। उसके बाद ये ऑरेंज वाले टूल है ना, इसका सेचुरेशन कम कर लेना आपको, और ल्यूमिनस को इंक्रीज करना है। इससे फेस वाइट होता है दोस्तों मेरा, देख सकते हो फोटो कितना वाइट हो चुका, पहले कैसा था और अब देखो कैसा लग रहा। इसके बाद ग्रीन वाले टूल है, इसको फुल्ली इंक्रीज कर देना, तो देख सकते हो बैकग्राउंड में कितना इफेक्ट आ गया, कुछ ही सेकंड में कितना अच्छा फ़ोटो हो चुका है, देख सकते हो आप। मैं बोलो तो जूम कर देता हूँ, देखो पहले कैसा था, बिफोर आफ्टर, आफ्टर कितना इलास्टिक हो गया, अभी देखो और इलास्टिक करना। इसके बाद मेरे को फुल्ली रेड करना, वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना। उसके बाद इफेक्ट वाले टूल पर टेक्सचर को इंक्रीज कर देना, क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर देना, इतना ज़्यादा मत रखना, +16 रखना बस, और वीगनेट को कुछ कम कर लेना, -8 रखना बस। और इसके बाद यहाँ से कर देना डन, आपको बस कुछ नहीं, अब डन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं पिक्सार्ट ऐप में, और यहाँ से कर लेते हैं इसे सेव। तो देख सकते हो दोस्तों, ये फ़ोटो सेव हो चुका है। अब चलते हैं पिक्सार्ट ऐप में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेना, और जो अभी फ़ोटो सेव की है उसको इसमें ऐड कर लेना। मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद कैसा एडिट करते हैं मैं दिखाऊंगा फुल्ली HD। इसके बाद प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करते हैं, जो अभी फ़ोटो सेव किया है, यहाँ रिसेंट में आएगा, देखो यहाँ आ रहा है, इसको क्लिक करके और यहाँ ऐड कर लेना। और उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो, पहले इसका इफ़ेक्ट्स वाले टूल में जाना, यहाँ इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, इस पर जाना। उसके बाद यहाँ से कलर दिखेंगे आपको, स्लाइड करना कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कलर वाले टूल पे आना, और ये विदाउट नेट का चलता है, नेट अपना बंद ही कर देना अच्छा रहेगा। और इसको है ना एडजस्ट करना, देखो फोटो के अनुसार, बस बैकग्राउंड पर ला कर छोड़ देना, इसे ग्रीन हो जाएगा ना, देखो मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दिया। अब देखो कितना, इसके बाद मैं रेड वाले पे जाता हूँ, इतना करना और इसे इंक्रीज कर लेना बस। तो देख सकते हो आप कितना HD हो गया, मैं दिखाऊंगा कुछ ही देर में। देखो दोस्तों, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, फुल्ली रेड होगा दोस्तों। दोस्तों मैं जैसा बताया था वैसा ही एडिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको PNG में ऐड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऐड फोटो पे जाना, और यहाँ से जो भी कैंडल वगैरह है सबको ऐड कर लेता हूँ फटाफट। इसे जूम करना ऐसे, और कुछ इस तरह से एडजस्ट करना दोस्तों, और रियल लगना चाहिए, देखो कुछ इस तरह से। और इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक कर इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना, इसे कुछ छोटा कर देना, और इसे 5-6 लगा देना बैकग्राउंड में, ताकि अच्छा लग सके। और देख सकते हो आप कितना रिलास्टिक हो चुका है, आई होप आप अच्छे से समझते हो इसे, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करना मेरे दोस्त, मेहनत लगता है थोड़ा बनाने में।
तो अब ये हो गया दोस्तों, फटाफट कर लिया इसे, ऐसे डन कर देते हैं यहाँ से क्लिक कर कर। और उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में आ जाना है। फिर से ऐड फोटो में आने के बाद फिर से PNG ऐड कर लेना है। फिर से एक दो PNG में ऐड करके दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको ब्लेंड वाले टूल पे आना है, स्क्रीन करना है इसे कुछ इस तरह से, इधर लाना है, इसी का भी ब्लेंड कर कर स्क्रीन कर लेना। सबको पहले ब्लेंड कर लेना, स्क्रीन मोड पे लाना। देखो इसको मैं क्या करूँगा, कुछ जूम कर कर इस तरह से ऐसा लगा जैसे पेड़ का बीच से निकल रहा, क्रैकर फट रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से साइड में लाना, इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर आना, तो भाई देख सकते हो कितना इलास्टिक हो चुका है। अब क्या करना है, इसका डुप्लीकेट एक कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड लगाना है। और इस तरह से कर लिया, और एक बच्चा है, तो पहले जूम कर लेते हैं, इसे यहाँ पर लगा दो। इसे इस तरह से रोटेट करो, बस इसे ऐसे करके डन कर देना दोस्तों। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। और उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में आना। अब आपको क्या करना है, फिर से PNG ऐड कर लेता हूँ दो तीन, एक ये ऐड कर लिया ए, ए और ए। अब डन ही कर दूंगा बस, सब कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हैप्पी दिवाली। इसको भी ब्लेंड मोड पे सबसे पहले जाना, स्क्रीन कर देना इस तरह से। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी ब्लेंड मोड पे जाना, इसको भी स्क्रीन कर देना। सबको पहले स्क्रीन कर दो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसको कुछ इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, लगना चाहिए। इसका भी डुप्लीकेट एक कर देता हूँ, इधर भी ले आता हूँ, इसे अच्छा लगना। और इधर ये भी ले आता हूँ, कुछ लगना चाहिए रियल में धमाका हो रहा जैसे, उस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हो ना छुड़ छुड़ी, वो सॉरी दिवाली वाले पे क्लिक हो गया, इसे लाना अपने हैंड में लाना, इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर कर ऐसा लगना चाहिए कैंडल को जलाए हो, कुछ इस तरह से छोटा कर लेना। और ये जाए वाले टूल पे जाना और इसे इरेज कर देना फटाफट, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम कर कर। और ये रिस्टोर पे क्लिक करके कुछ रिस्टोर कर लेना, और यहाँ से ऐसे कर देना डन। अब क्या करना है आपको, ये है ना, इस पर क्लिक कर कर इसका एक डुप्लीकेट बना लेना, इसे लाना है यहाँ पर, देखना कितना रियलास्टिक लगेगा। छोटा कर लो इसे, अब देख सकते हो कितना रियलास्टिक लग रहा है। और यहाँ से कर देते हैं डन। एक स्टेप मिक्स नहीं होगा दोस्तों साथ। अब आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है आपको। और यहाँ से आपको इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना और इसे स्लाइड करना पूरा इस तरह से। इस ऐप का आपका PNG में APK दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है आपके मोबाइल में तो। और ईवन पे क्लिक कर देना, अब देखो कितना रियलास्टिक हो गया क्लिक करते के साथ। मैं दिखाता हूँ पहले कैसा था, आप लोग की लग रहा होगा रियल नहीं बताएगा, लेकिन रियल दिखा रहा हूँ आपको, फुल्ली रियल, ऐसा कोई नहीं बताता होगा आपको। बिफोर आफ्टर देख लिया आप। इसके बाद टूल्स पे जाना है, एडजस्ट वाले टूल पे जाना है और इसको इंक्रीज करना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, आप ही के लिए बनाता हूँ वीडियो। और इसके बाद हाइलाइट्स पे आना, इसे कुछ इंक्रीज करना, क्लियरिटी ज़रूर बढ़ाना मेरे दोस्त, क्लियरिटी 19 रख लेना। शैडो भी इंक्रीज कर लेना थोड़ा, इतना मत रखो। प्लस एट
कंट्रास्ट प्लस 5। अब देख सकते हो दोस्तों पहले कैसा फ़ोटो था, आप कितना रिलास्टिक लगने लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी दिवाली दोस्तों ऑल ऑफ यू।